हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज जिस विषय को हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये है महाजून 2022 के शुभ मुहूर्त। कि ये जो शुभ मुहूर्त हैं जून 2022 में, कौन कौन सी वो तारीखें होंगी जिनको वो शुभ मुहूर्त होंगे, और सबकी चर्चा करेंगे आपसे एक एक करके, सबके विषय में बताएंगे, सबकी तारीख बताएंगे। और आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हम जिस किसी भी, मान लीजिए विवाह है या मुंडन है, जिस किसी की भी चर्चा हम करेंगे और उनके शुभ मुहूर्त और की जो तारीखें हैं और समय बताएंगे, उसका चार्ट भी स्क्रीन पर आपको बराबर दिखाई देता रहेगा, तो आप उस चार्ट को भी देख सकते हैं। तो आपको बताएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है, अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाता है और वो किन किन शुभ तारीखों में पड़ रहा है, रवि योग, और जहां तक रवि पुष्य योग का प्रश्न है तो वो इस जून 2022 में नहीं पड़ रहा है रवि पुष्य योग। हां, गुरु पुष्य योग जरूर पड़ेगा जून में, उसके विषय में भी बताएंगे, उसके शुभ मुहूर्त, उसकी शुभ तारीख। तो ये जो ऐसे, और इसके अतिरिक्त मैंने जैसा कहा कि मुंडन है बच्चों का, नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार है, उनकी शुभ तारीखें और शुभ समय क्या रहेगा, भूमि पूजन अगर कराना चाहते हैं जून 2022 में तो उसके लिए कौन सी शुभ तारीख आपके लिए सही रहेगी और शुभ समय, यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं जून 2022 में, चाहे वो अपने घर की या किसी कोई और कोई बिल्डिंग है या किसी भी तरीके का कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग की आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त और समय और शुभ तारीख है। गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो, और वाहन की खरीदारी, और नया व्यापार अगर आप आरंभ करना चाहते हैं कोई भी नया कार्य, उसके लिए जून 2022 में कौन सी वो शुभ तारीखें रहेंगी और उनका शुभ समय क्या रहेगा जब आप अपना नया कार्य शुभ आरंभ कर सकते हैं, और विवाह की शुभ तारीखें भी आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। बात करेंगे सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में। ये सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है? सर्वार्थ सिद्धि योग ये है कि अगर मान लीजिए अचानक आपको कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है, ज्वेलरी की खरीदारी करनी पड़ रही है या कुछ और मार्केट में कुछ आप परचेजिंग करना चाहते हैं, कुछ कोई वैल्यूएबल आइटम, कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं अपने लिए या कुछ और भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग अगर है उस तारीख में तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत अच्छे इस मुहूर्त में आप कार्य कर सकते हैं अपने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग जो है इस जून 2022 में किन किन तारीखों को कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले ये सर्वार्थ सिद्धि योग इस महीने में 1 जून को ही है और ये आरंभ होगा सूर्योदय से और ये 1 जून की दोपहर 1 बजे तक बना रहेगा। फिर 2 जून को शाम 4:04 से आरंभ होगा और 3 जून की शाम 7:05 तक बना रहेगा। इसके बाद 9 जून को प्रातः 4:31 से आरंभ होगा और 9 जून के सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा। 11 जून को सूर्य उदय से लेकर के रात्रि के 2:05 तक ये बना रहेगा। 13 जून को सूर्य उदय से ये आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग और रात्रि के 9:24 तक रहेगा। आगे ये 17 जून को होगा, प्रातः 9:56 से आरंभ होगा और 18 जून की प्रातः 7:39 तक ये बना रहेगा। फिर 21 जून को सूर्य उदय से ये आरंभ हो जाएगा और 22 जून की प्रातः 5:03 तक बना रहेगा। इसके बाद 23 जून को फिर ये सनराइज से आरंभ हो जाएगा सूर्य उदय से और 24 जून की प्रातः 8:04 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 27 जून को सूर्य उदय से आरंभ होगा और 28 जून की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा 24 घंटे तक, और अंत में ये 30 जून को सूर्य उदय से आरंभ हो जाएगा और 1 जुलाई के
सूर्य उदय होने तक ये योग बना रहेगा। तो ये जो हमने आपको जानकारी दी है सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में दी है। अब आपसे बात करेंगे नंबर दो, अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग किन चीजों के लिए, कौन से शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए, तो इसके विषय में बता देते हैं आपको। देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग में जितने भी कार्य संपन्न किए जाने वाले हैं होते हैं, जो भी शुभ कार्य, उनके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए लव मैरिज है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, या फिर किसी कार्य की आप सिद्धि कराने के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, ऐसे कार्यों के लिए अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग, ये भी चीज जरा समझने वाली है यहां पर, कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय पर पढ़ रहे हों तो ये और भी अधिक शुभ फलदायी हो जाता है प्रिय साथियों। परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनको शुभ नहीं माना गया है। वो कौन सी तिथियां हैं? रविवार से लेकर शनिवार के बीच में जो तिथियां हैं, ये मतलब रविवार से शनिवार तक जितने दिन होते हैं उसमें एक तो पंचमी तिथि और एक छठवीं मतलब षष्ठ तिथि, छठ और सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी, यानी कि पंचमी तिथि से लेकर और एकादशी तिथि तक जितनी ये तिथियां हैं ये वर्जित मानी गई हैं। इनमें अमृत सिद्ध योग होता भी है तो भी उसमें कार्य करना नहीं चाहिए। शुभ कार्यों के लिए जो हैं ये वर्जित मानी गई हैं तिथियां। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जैसे रविवार के दिन हस्त नक्षत्र पड़ा, रविवार का दिन है और उस दिन हस्त नक्षत्र है मान लीजिए, तो फिर तो अमृत सिद्ध योग बनना ही बनना है। परंतु यदि उस दिन, अब अमृत सिद्ध योग तो बन गया लेकिन तिथि पंचमी से लेकर एकादशी के बीच में कोई भी एक तिथि पड़ रही है, तो फिर इस तिथि में जो भी इस तरीके का ये अमृत सिद्धि योग है ये मान्य नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने आपको वो तिथियां बताई हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया है, अभी पंचमी से लेकर एकादशी तक ये शुभ नहीं है तिथियां, बेशक चाहे उस दिन अमृत सिद्धि योग क्यों ना हो। तो अब ये उस दिन पंचमी तिथि भी जैसा हमने कहा कि अब वो तो आप नहीं करेंगे फिर काम, क्योंकि पंचमी तिथि पड़ गई या षष्ठी पड़ गई या सप्तमी एकादशी तक जो भी है, तो ये कुछ इस प्रकार की कंडीशंस हैं अमृत सिद्धि योग में, क्योंकि उस दिन फिर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जो भी है वो दूषित माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, ऐसा कुछ मत है। तो आइए शुद्ध तरीके से कौन सी वो तारीखें हैं जून के महीने में कि जब आप अमृत सिद्धि योग की वो तारीखें जिनकी हम बताने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आपसे उन तारीखों को, कि आप अपने वो शुभ कार्य जिनके हमने अभी जिक्र किया था कि अमृत सिद्धि योग में कौन से वो शुभ कार्य आप कर सकते हैं, तो वो उनके लिए हम तिथि आपको बता रहे हैं, मतलब डेट्स तारीखें और उनका समय शुभ समय, उनमें आप अपने ये कार्य संपन्न कर सकते हैं अमृत सिद्धि योग में करने वाले कार्य। तो सबसे देखिए ये दो ही दिन हैं पूरे माह में जून में कि जब ये अमृत सिद्धि योग पड़ेगा। एक तो 27 जून दिन सोमवार होगा और ये पड़ेगा शाम 4:02 से लेकर के 28 जून के सूर्य उदय होने तक रहेगा ये योग। इसके बाद दूसरा योग बनेगा अमृत सिद्धि योग जून में 30 जून को दिन गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, रात्रि के 1:07 से ये आरंभ होकर के 1 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। तो ये दो डेट्स हैं, इसमें आप अमृत सिद्ध से संबंधित शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि प्रेम विवाह करना, विदेश यात्रा करना या किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करना, ये कार्य आप इन दो तारीखों में कर सकते हैं। अब नंबर तीन बात करेंगे प्रिय साथियों रवि योग के विषय में, कि रवि योग जो है ये तिथि, वार और नक्षत्र से संबंधित कुयोगों को दूर करता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा शुभ योग बना हुआ है लेकिन अब उसमें जो है क्या कहते हैं तिथि सही नहीं है, जैसा मैंने अभी अमृत सिद्धि योग के विषय में भी बताया, वार नहीं है सही, नक्षत्र सही नहीं है, शुभ नहीं है, तो वो नहीं माना जाएगा शुभ योग। लेकिन अगर रवि योग भी पड़ रहा है उसी समय,
उसी समय अवधि में। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि रवि योग जो है वो तिथि वार नक्षत्र से संबंधित जितने भी ऐसे दोष होते हैं उनको ये दूर करता है, अगर रवि योग भी पड़ रहा है। सामान्य रूप से रवि योग में वैसे किया क्या जाता है, कौन से शुभ कार्य किए जाते हैं रवि योग में? अगर सिर्फ आप रवि योग की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, अगर आप रवि योग से संबंधित ही कुछ शुभ कार्य करना चाहते हैं तो वो कौन से शुभ कार्य हैं जो रवि योग में आप संपन्न कर सकते हैं? वो हैं अन्नदान, गौ का दान और भूदान यानी कि जमीन का दान, प्रॉपर्टी आदि आप किसी को, बहुत से लोग करते हैं दान, या फिर सरकारी क्षेत्रों में कहीं भी किसी सरकारी महकमे में डिपार्टमेंट में अगर आपने अपनी नौकरी आरंभ करनी है, ज्वाइन करना है, या आपकी ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग करनी है आपने, तो उसके लिए, या फिर कोई बड़ा पद आप ग्रहण करने वाले हैं, आपको कहीं पदोन्नति हुई है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप आपने अपनी आरंभ करनी है नए सिरे से, उस पद पर ग्रहण, उस पद को ग्रहण करके उस पद पर आसीन होके, तो वो ऐसी चीज़ों के लिए रवि योग देखा जाता है। या फिर कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी रवि योग बहुत शुभ माना गया है। अब ये रवि योग इस जून के महीने में कौन कौन सी तारीखों में पड़ रहा है और कितने बजे से कितने बजे तक है, अब इसके विषय में आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला रवि योग पड़ेगा जून में 2 जून को शाम 4:04 से 3 जून की शाम 7:05 तक। इसके बाद ये 4 जून को रात्रि 9:55 से आरंभ होगा और 5 जून की रात्रि 12:25 तक बना रहेगा। फिर ये 8 जून को प्रातः 3:50 से आरंभ होगा और दोपहर 12:37 तक ये बना रहेगा। 9 जून की प्रातः 4:31 से रवि योग आरंभ होगा और 11 जून की प्रातः 3:37 तक ये बना रहेगा। इसके बाद ये 12 जून को आरंभ होगा, कब से? रात्रि 11:59 से, और 13 जून की रात्रि 9:24 तक ये बना रहेगा। इसके बाद अंत में इस महीने के ये 19 जून को बनेगा रवि योग, प्रातः 5:56 से आरंभ होगा और 20 जून की प्रातः 4:53 तक बना रहेगा। तो ये थी वो रवि योग की शुभ तारीखें, शुभ समय जब जून के महीने में रवि योग पड़ेगा। और आप अपने जो भी कार्य हमने रवि योग से संबंधित बताए हैं उनको भी आप कर सकते हैं। साथ ही ये भी जानकारी आपको दिए, दोबारा बता रहे हैं इस बात को कि बहुत सी चीज़ों में जो शुभ हम समय देखते हैं, शुभ तारीखें देखते हैं, किसी में योग सही, मतलब किसी में तिथि सही नहीं होती है जो तिथि चाहिए शुभ तिथि, किसी में वार सही नहीं होता है दिन, किसी में नक्षत्र नहीं सही होता है, लेकिन अगर उसी समय में रवि योग भी पड़ रहा है उसी दिन और उसी समय में, तो ये उन सभी चीज़ों का दोष समाप्त कर देता है। ये बात भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। अब आगे बात करेंगे गुरु पुष्य योग के विषय में। नंबर 4, गुरु पुष्य योग किन कार्यों के लिए देखा जाता है, कौन से शुभ कार्य इसमें संपन्न करने चाहिए? तो मेरे प्रिय साथियों, इस योग में गुरु बृहस्पति की बात हो रही है यहां पर, गुरु बृहस्पति पुष्य योग, गुरु पुष्य योग। तो इस योग में गुरु जो हैं आपके, जो भी जिनको आप गुरु मानते हैं, या फिर पिता, या आपके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर जो भी हैं, ऐसे किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनसे कोई मंत्र लेना चाहते हैं, तंत्रिक विद्या लेना चाहते हैं, या किसी विशिष्ट विषय के संबंध में कोई उच्च विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर धन भूमि विद्या और एवं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर कोई धार्मिक श्रेष्ठ अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहते हैं, या अपना गुरु बनाना चाहते हैं किसी को, जिसमें गुरु दक्षिणा भी ली जाती है, गुरु दक्षिणा दी जाती है, नाम दान लिया जाता है, और गुरु से शिक्षा प्राप्त करना है, किस दिन आरंभ करें, वो गुरु पुष्य योग उसके लिए बहुत शुभ माना गया है कि अगर आपने अपने गुरु से शिक्षा लेना आरंभ करना है तो आप गुरु पुष्य योग के दिन से अगर आरंभ करेंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। और अगर विदेश यात्रा भी करना है तो वो भी गुरु पुष्य योग में आप कर सकते हैं, उसके लिए भी ये बड़ा शुभ योग है। लेकिन इस गुरु पुष्य योग में विवाह करना वर्जित माना गया है। अब यह गुरु पुष्य योग जून के महीने में, जून 2022 में कब पड़ेगा? यह पड़ेगा 30 जून को
रात्रि 1:07 से लेकर 1 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने तक, सिर्फ एक दिन है ये, 30 जून के दिन, महीने के बिल्कुल अंतिम दिन। अब आगे बात करेंगे प्रिय साथियों, जो बच्चों का अपने मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं और उनको शुभ तारीखें चाहिए और तारीखों में भी शुभ समय चाहिए कि किस समय पर कराया जाए, तो अब हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो शुभ मुहूर्तों की देने जा रहे हैं मुंडन के, बच्चों के कौन कौन सी तारीखों में मुंडन का मुहूर्त का समय और तारीखें पड़ रही हैं जून 2022 में। तो देखिए 1 जून दिन बुधवार होगा, प्रातः 5:24 से लेकर के दोपहर 1:01 तक रहेगा। इसके बाद 2 जून को मुंडन का मुहूर्त दिन गुरुवार होगा और यह आरंभ होगा 4:04 से लेकर 8:06 तक। फिर ये तीसरा जो शुभ मुहूर्त है मुंडन का वो 10 जून को दिन शुक्रवार होगा, उस दिन प्रातः 5:23 से आरंभ हो जाएगा ये और 6:42 तक बना रहेगा। इसके बाद 23 जून को दिन बृहस्पतिवार गुरुवार होगा और ये प्रातः 6:14 से आरंभ होगा और ये 24 जून की प्रातः 5:24 तक बना रहेगा। अंत में ये इस महीने के 30 जून को पड़ेगा, उस दिन गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार होगा और ये आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का समय मुंडन के 30 जून को प्रातः 10:50 से लेके 1 जुलाई की प्रातः 5:26 तक। अब बात करेंगे साथियों आपके साथ जो नवजात शिशु हैं उनका नामकरण संस्कार आप किस शुभ तारीख में कर सकते हैं और उन शुभ तारीखों में भी किन शुभ समय में, कौन सी वो शुभ समय अवधि हैं इस जून 2022 में, उनकी हम तारीखें, शुभ तारीखें आपको बताने जा रहे हैं नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के लिए। सबसे पहले 1 जून को शुभ मुहूर्त पड़ रहा है नामकरण संस्कार के लिए, दिन बुधवार है, ये प्रातः 5:23 से आरंभ होकर के दोपहर 1 बजे तक बना रहेगा। इसके बाद ये आरंभ होगा 9 जून को दिन गुरुवार होगा, प्रातः 8:23 से ये आरंभ होकर के 10 जून की प्रातः 5:22 तक बना रहेगा। फिर ये आरंभ होगा 10 जून को शुभ मुहूर्त दिन शुक्रवार होगा और ये प्रातः 5:22 से आरंभ होकर के 11 जून की प्रातः 5:22 तक ही बना रहेगा। इसके बाद ये 16 जून को दिन गुरुवार होगा और ये आरंभ हो जाएगा शुभ समय, शुभ मुहूर्त का समय नामकरण का, दोपहर 12:37 से लेकर 17 जून की प्रातः 5:22 तक। 19 जून को ये आरंभ होगा, रविवार का दिन होगा, उस दिन प्रातः 5:56 से आरंभ होने वाला है ये मुहूर्त और 20 जून की प्रातः 5:23 तक रहेगा। इसके बाद ये फिर 22 जून को शुभ मुहूर्त रहेगा, दिन बुधवार होगा उस दिन और ये आरंभ होगा शुभ समय इसका रात्रि 8:47 से 23 जून की प्रातः 5:23 तक। फिर ये 23 जून को दिन गुरुवार होगा, प्रातः 5:24 से आरंभ होकर के 24 जून की प्रातः 5:24 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 26 जून को होगा शुभ मुहूर्त, दिन उस दिन जो है रविवार का होगा और ये शुभ समय आरंभ होगा इसका, शुभ मुहूर्त का समय दोपहर 1:06 से रात्रि 3:27 तक। अंत में 30 जून को दिन गुरुवार होगा, रात्रि 1:07 से लेकर के ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा 1:07 से रात्रि और 1 जुलाई की प्रातः 5:26 तक बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनकी शुभ समय की अवधियां उन तारीखों में जिनमें आप अपने नवजात शिशु का नामकरण संस्कार करवा सकते हैं। अब आपके साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि आप अगर अपना कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, चाहे आप दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, चाहे कोई फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस न्यू स्टार्टअप है आपका, कोई ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का एनी काइंड ऑफ बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते हैं, आप इन हम इनकी शुभ तारीखें बताने जा रहे हैं आपको और उनकी शुभ समय की अवधियां उन तारीखों में जब आप अपना ये नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली इस जून 2022 में जो तारीख है शुभ तारीख वो है 12 जून, दिन रविवार का होगा और शुभ समय की अवधि रहेगी
प्रातः 6:10 से लेकर प्रातः 8:24 तक। दूसरा इसी दिन 12 जून को ही रविवार के दिन दूसरा शुभ समय फिर शुरू होगा, शुभ मुहूर्त का समय। यह होगा प्रातः 10:44 से लेकर शाम 5:38 तक। इसके बाद ये 15 जून को दिन बुधवार होगा, उस दिन शाम 5:26 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा और शाम के 7:44 तक रहेगा। इसके पश्चात 16 जून को दिन होगा बृहस्पतिवार और ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 5:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक। और इसके बाद ये शुरू होगा 20 जून को, उस दिन सोमवार का दिन होगा और ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा इस दिन प्रातः 10:13 से लेकर शाम के 5:06 तक। इसके बाद ये आरंभ हो जाएगा 24 जून को, दिन होगा शुक्रवार का और ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा दोपहर 2:31 से लेकर शाम 7:09 तक। फिर अंत में इस महीने के ये 26 जून को दिन रविवार होगा, उस दिन ये मुहूर्त का समय, शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा प्रातः 7:29 से दोपहर 2:23 तक रहेगा ये। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के समय जब आप अपना कोई भी नया कार्य या नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भूमि पूजन। अगर आपने भूमि पूजन कराना है और अपनी कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, चाहे घर की कंस्ट्रक्शन करानी है, चाहे कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन कराना है, तो उसके लिए कौन सी शुभ तारीखें हैं और उन शुभ तारीखों में कौन से शुभ समय हैं इस जून 2022 में। तो सबसे पहला शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त 1 जून 2022 को है, दिन बुधवार है, उस दिन तिथि होगी दौज यानी कि द्वितीया और शुक्ल पक्ष रहेगा, नक्षत्र होगा मृगशिरा और शुभ समय रहेगा प्रातः 5:37 से लेकर के प्रातः 8:59 तक। इसके बाद दूसरा शुभ तारीख है 10 जून, दिन शुक्रवार, तिथि होगी दशमी, शुक्ल पक्ष होगा, चित्रा नक्षत्र होगा, प्रातः 5:36 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा इस दिन और प्रातः 10:43 तक ये शुभ मुहूर्त का समय बना रहेगा। और इस महीने के अंत में 11 जून 2022 दिन शनिवार होगा, तिथि होगी एकादशी और नक्षत्र होगा स्वाति। इस दिन प्रातः 7:17 से लेकर प्रातः 9 बजे तक ये शुभ मुहूर्त का समय 11 जून को बना रहेगा। तो आप अपने इन तारीखों में, शुभ तारीखों में, शुभ समय में अपना भूमि पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं या फिर गृह निर्माण आरंभ करा सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे गृह प्रवेश मुहूर्त के शुभ तारीखों के विषय में और उनके शुभ समय में क्या शुभ समय रहेंगे। इस दिन भी जून के महीने में भी पहला जो शुभ मुहूर्त पड़ेगा गृह प्रवेश का वो 1 जून को ही होगा, बुधवार के दिन, और ये आरंभ हो जाएगा प्रातः 5:23 से लेके दोपहर 1:01 तक। फिर ये दूसरा शुभ मुहूर्त होगा गृह प्रवेश के लिए 10 जून, दिन शुक्रवार, प्रातः 5:22 से लेके रात्रि के 3:37 तक। इसके बाद 16 जून को ये आरंभ हो जाएगा, दिन गुरुवार होगा बृहस्पतिवार और ये आरंभ कब से होगा, दोपहर 12:37 से 17 जून की प्रातः 5:23 तक। और अंत में इस महीने के 22 जून को ये अंतिम शुभ तारीख है गृह प्रवेश के मुहूर्त के लिए और दिन बुधवार है उस दिन और शुभ मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि 8:45 से लेकर के 23 जून की प्रातः 5:24 तक। ये थी वो शुभ तारीखें और शुभ समय जिनमें आप गृह प्रवेश इस जून के महीने में कर सकते हैं। आगे बात करेंगे यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का वाहन है, छोटा है बड़ा है, उसके लिए इस जून 2022 में वो कौन सी शुभ तारीख हैं जिसमें आप वाहन खरीद सकते हैं निसंकोच, उनके शुभ समय भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहला शुभ तारीख जून 2022 में 2 जून की है, दिन गुरुवार है उस दिन और इसमें शुभ मुहूर्त का समय है इस दिन शाम 4:03 से रात्रि 12:17 तक। इसके बाद
जो शुभ मुहूर्त की तारीख है वो 9 जून है, दिन गुरुवार है, उस दिन बृहस्पतिवार, और इस दिन शुभ मुहूर्त का समय होगा प्रातः 8:23 से लेकर 10 जून की प्रातः 5:22 तक। फिर 10 जून को दिन शुक्रवार होगा, प्रातः 5:22 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा इस दिन, और 11 जून की प्रातः 5:22 तक बना रहेगा। फिर ये 19 जून को पड़ेगा शुभ मुहूर्त, दिन होगा रविवार, और ये प्रातः 5:23 से आरंभ होगा, रात्रि के 10:20 तक बना रहेगा। इसके बाद 22 जून को दिन बुधवार होगा इस दिन, और ये योग जो रहेगा शुभ मुहूर्त का समय 22 तारीख को दिन बुधवार को प्रातः 8:47 से आरंभ हो जाएगा ये शुभ मुहूर्त का समय, और 23 जून की प्रातः 6:14 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 26 जून को दिन रविवार होगा और शुभ मुहूर्त का समय रहेगा इस दिन दोपहर 1:06 से लेकर रात्रि के 3:27 तक। और इस महीने के अंतिम दिन यानी कि 30 जून को भी गुरुवार का दिन होगा, और इस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 5:26 से लेकर प्रातः 10:50 तक। और आप ये जो हमने शुभ तारीखें बताई हैं और उनमें पड़ने वाले वो शुभ समय अवधि बताई हैं आपको, इनमें आप अपने वाहन की खरीदारी कर सकते हैं इस जून 2022 में। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जिन जातकों का विवाह होना है जून 2022 में, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल, उनको भी शुभ तारीखें चाहिए होंगी जून के महीने में, और उसमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त के समय चाहिए होंगे। तो आपको बताते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला जो शुभ मुहूर्त निकल रहा है इस जून के महीने में वो 6 जून दिन सोमवार को निकल रहा है, और इसका शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा प्रातः 6:56 से रात्रि के 2:26 तक रहेगा। फिर ये 8 जून को दिन बुधवार होगा, इस दिन शुभ मुहूर्त का समय रहेगा विवाह के प्रातः 5:22 से लेकर के रात्रि के 3:27 तक। तीसरा जो शुभ तारीख है जून में विवाह के लिए 11 जून है, दिन शनिवार होगा, इस दिन शुभ मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि 8:47 से लेकर के रात्रि के 2:05 तक। चौथा शुभ मुहूर्त रहेगा 12 जून को, दिन रविवार होगा, रात्रि के 11:58 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा, और 13 जून की प्रातः 5:22 तक ये योग बना रहेगा शुभ मुहूर्त का। इसके बाद फिर 13 जून को दिन सोमवार होगा, इस दिन प्रातः 5:22 से शुभ मुहूर्त का समय विवाह के आरंभ हो जाएगा, और ये बना रहेगा रात्रि के 9:02 तक। इसके बाद 14 जून दिन मंगलवार, और शुभ मुहूर्त का समय रहेगा इस दिन रात्रि के 11:47 से लेके 15 जून की प्रातः 5:23 तक। इसके बाद 15 जून को दिन बुधवार है, और शुभ मुहूर्त का समय है इस दिन प्रातः 5:23 से लेकर के दोपहर 3:33 तक। इसके बाद 16 जून को दिन गुरुवार होगा, और शुभ मुहूर्त का समय रहेगा गुरुवार के दिन 16 जून को दोपहर 12:37 से लेकर के शाम 7:55 तक। और इसके बाद 21 जून को दिन मंगलवार है, और शुभ मुहूर्त का समय है विवाह के प्रातः 5:24 से आरंभ होगा ये शुभ मुहूर्त का समय, और 22 जून की प्रातः 5:24 तक ये योग बना रहेगा। और इस महीने के अंतिम में अंतिम दिन 22 जून है, वो अंतिम तारीख शुभ तारीख, इस दिन बुधवार का दिन है, और शुभ मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:24 से लेकर रात्रि के 11:57 तक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये हमने अलग अलग विषयों पर आपको बताया है कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य जून 2022 में अपने संपन्न करना चाहते हैं, अपने शुभ कार्यों को, उन सभी की हमने विषय में अलग अलग जानकारी आपको दी है, उनकी शुभ तारीखों के विषय में, और शुभ तारीखों के विषय में ही नहीं, उन शुभ तारीखों में जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में आप वो शुभ कार्य अपना संपन्न कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है जो हमने बहुत मेहनत से बनाया है, ये आपको पसंद आएगा।
और अगर आपको पसंद आएगा और आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए नए कार्यक्रमों पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोस बनते हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वो वीडियोस सीधे आप तक पहुँचें तो उसके लिए जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।